वेलकम टू माई चैनल टूटी फ्रूटी कुकिंग। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो डिश बता रही हूँ वो पहले मैंने बनाई थी सिंपल, जैसे घर में बनाते हैं उस तरह से, और आज मैं आपको माश की दाल ढाबा स्टाइल और हाईवे स्टाइल जो के मशहूर है वो बता रही हूँ। ये भी है तो इजी, लेकिन इसकी एक दो इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो आप अगर जहन में रखें तो आपको बिल्कुल वो फ्लेवर मिलेगा जो कि आप ढाबे पे या हाईवे पे जाते हुए जो रेस्टोरेंट्स आते हैं उनमें खाते हैं आप, या होटल्स जो होते हैं ढाबा होटल्स। तो ये जो हमारी ज़बरदस्ती दाल आज बनेगी उसको ज़रूर देखिएगा कंप्लीट रेसिपी, और उससे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप ज़रूर थम्स अप दिया करें। और मैं ये भी बताती चलूँ कि बहुत सारी वीडियोस मेरी आनी हैं और बहुत सारी आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगी खाने से रिलेटेड, और मज़ीद कोई फरमाइश हो वो भी आप अपनी बता सकते हैं। तो अब मैं स्ट्रेट रेसिपी की तरफ आती हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। मैंने ऑयल हाफ कप से भी कम डाला है और उसको मैं लाइट सा मैंने हीट किया है, और मैंने अब प्याज ऐड करनी है, अनियन वन मीडियम साइज की, दरमियाने साइज की प्याज है ये, ठीक है। और मैं ये बताऊं कि आंच इसमें तकरीबन मीडियम हाई रहेगी, बहुत हल्की आंच नहीं रखनी। ये खाना क्योंकि होटलों में पकता है, फटाफट चाहिए होता है, तो इसलिए ये इस तरह से ही पकेगा जैसे मैं बता रही हूँ। इसकी टिप, मेजर टिप जो है वो मैं इंशाल्लाह बीच में आपको बताऊंगी। ये जैसे ही लाइट सा सौते होगा, यानी कि थोड़ा सा ये कलर की तरफ आएगा, ये गोल्डन की तरफ, तो मैं इसमें जो इंग्रेडिएंट ऐड करूंगी वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो दाल मैंने तकरीबन ली थी 200 ग्राम 200 ग्राम्स वाइट लेंटल, ठीक है, यानी माश की दाल, और उसको मैंने तकरीबन 8 से 9 घंटे मैंने उसको सोक किया, और मैंने तकरीबन अबाउट 2 से 2.5 गिलास पानी में, 2 गिलास पानी में आप देख लीजिएगा जितना दाल को रिक्वायर्ड हो उतना पानी डाल के मैंने उसको बॉईल किया है। 2 to 3 क्लोव्स मैंने डाली हैं उसमें, लौंगे डाली हैं, 3-4 डाल दें आप, ठीक है, तकरीबन पाव से कम है वो। तो उसके हिसाब से मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, ठीक है। अब ये सौते हो चुका है तकरीबन, जस्ट इन फ्यू सेकंड्स मैं ऐड करती हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं ऐड करूंगी पहले जिंजर, ठीक है, थोड़ा सा सौते साथ हो जाए, 1 टेबलस्पून जिंजर क्रश्ड, 1 टेबलस्पून गार्लिक, मैंने कद्दूकस कर लिया है, दोनों चीज़ों को आप भी कर सकते हैं, नहीं तो पिसा हुआ भी ले सकते हैं, ग्राइंड कोई मसला नहीं है, ठीक है। ज़रा सा पकता है तो फिर मैं अपने टमाटोज ऐड करती हूँ, अच्छा मैं आपको एक बहुत अच्छी हेल्थी टिप दे दूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में। काइंडली कोशिश किया कीजिए कोकोनट ऑयल में खाना बनाएं, वेजिटेबल घी में बनाएं, देसी घी में बनाएं, ये जो हमारे रिफाइंड ऑयल हैं इनको छोड़ दीजिए, ये बहुत नुकसान कर रहे हैं, कैंसर का भी सबब बहुत मेजरली ये बन रहे हैं, मैदे के स्टमक के जितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इसकी वजह से आ रहे हैं, तो काइंडली इससे ज़रा बच जाएं, मत इस्तेमाल करें। और मैंने भी यही शुरू कर दिया है, तो मैं देसी घी में खाना बनाती हूँ, और या फिर कोलू के तेल जो फ्रेश हमारे होते हैं, सरसों का है, कोकोनट ऑयल है, इस वक्त मैं कोकोनट ऑयल यूज कर रही हूँ, ठीक है। ये सौते हो गया है, तो अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज स्लाइस फाइनली चॉप मैंने टमाटोज ऐड किए हैं, साथ मैंने एक लाल मिर्च डाली है, बड़ी वाली जो हरी मिर्च थी वो लाल हो गई थी, मैंने उसको डाल दी है साथ काट के, ठीक है। अब मैंने आंच को थोड़ा सा तेज किया है, मीडियम हाई फ्लेम की है, ठीक है। अब ये इसके साथ भूनता रहेगा और मैं फिर आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा ये भून जाए, अबाउट 3 to 5 मिनट्स। अच्छा अब ये देखें
मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको जस्ट सौते किया है। अब मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून मैंने साल्ट दिया है, और टू दी टेस्ट मैं बाद में और ऐड कर सकती हूँ। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर हल्दी, और थोड़ी सी मैंने क्रश रेड चिली ली है, ये तकरीबन है 1/2 टीस्पून। ठीक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, बाद में हम लास्ट में चखेंगे, अगर थोड़ा कुछ कम ज़्यादा होगा तो हम ज़रूर ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरी दाल थोड़ी है, पाव से भी कम है। ठीक है, इस तरह से फ्राई करते हैं। अब ये देखें, ये अबाउट 5 मिनट के अंदर ये बिल्कुल डन है। मसाला आप देख रहे हैं सॉफ्ट हो गया है, अच्छी तरह से मैंने फ्राई किया है। यहाँ पे एक मेजर टिप मैं दे रही हूँ, ढाबा स्टाइल में स्पेशली इंग्रेडिएंट यूज होता है, ठीक है, जो कि होता है चिकन स्टॉक और चिकन का शोरबा, क्योंकि वहां पे काफी सारे खाने बनते हैं, थोड़ा सा वो मुर्गी का सालन जो है वो दाल के अंदर ऐड करते हैं इस स्टेज पे, जो पका हुआ होता है, जो उनके पास रेडी होता है फ्रेश। ठीक है, अब नॉर्मली घरों में ये नहीं होता, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, आप 1/2 कप वो डाल दें, यानी कि एक खाने का बड़ा वाला चम्मच जो सर्विंग स्पून होता है। अगर तो वो नहीं है तो आप 1/2 कनौर की क्यूब यूज कर सकते हैं, 1/2 कनौर के चिकन क्यूब जो मिलता है, चिकन स्टॉक। ठीक है, और अगर वो भी नहीं है तो मेरे पास चिकन पाउडर है, जो कि मैं 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत मेजर टिप था, जो कि बहुत पसंद किया जाता है दाल को इसी वजह से होटलों में। ठीक है, तो वो तो हमेशा वो अपना ऐड करते हैं शोरबा, उनके पास होता है चिकन का, तो वो डाल देते हैं, जिसकी वजह से बड़ा टेस्ट उसका इन्हांस हो जाता है। ज्यादा नहीं डालना हमने, सिर्फ 1/2 टीस्पून या 1/2 चिकन क्यूब एक पाव दाल में। ठीक है, 250 ग्राम्स में सिर्फ हम इतनी ही डालेंगे। अच्छा, अब मैं ये डन है क्योंकि, तो इसमें अब मैं ऐड करूंगी अपने वाइट लेंटल, माश की दाल, उड़द की दाल भी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने दाल ऐड की है। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, और साथ में बता दूं कि मैंने दाल को बिल्कुल ड्राई किया था, आप चाहें तो लाइट सा उसमें वाटरी इसको रख सकते हैं। इसमें तकरीबन मैंने इसको ड्राई रखा है, मैं इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, ये 1/2 कप मुश्किल से ही होगा, बल्कि ये दाल जस्ट उसको कुकिंग टाइम मिल जाए, और ये जरा से ना ड्राई दाल ही होती है। इसको मैंने इस तरह से मिक्स करना है, और अबाउट 5 मिनट्स के लिए मैंने इसको दम पे रखना है, और फिर मैं इसे चेक करूंगी। ये देखें, 5 मिनट मैंने इसको दम दिया है, अब ये इसकी ये कंडीशन है। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि कसूरी मेथी है, फेनुग्रीक लीव्स है। ठीक है, ये अबाउट मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे, 1/2 किलो या 1 किलो होगी तो उसी हिसाब से इसको बढ़ा लीजिएगा। ये डाल के थोड़ा सा मिक्स करना है दाल को। ठीक है, इस तरह से। आप लोग बहुत कंप्लेन करते हैं कि आपका स्पेशली जो मैंने लास्ट दाल माश फ्राई बनाई है होम स्टाइल, वो उसमें आपको ऑयल ज्यादा लग रहा है, जबकि वो मैंने जस्ट गार्निश किया था। इसमें मैं गार्निश नहीं करूंगी, यहां पे मैं थोड़ा सा सॉरी ऐड करूंगी धनिया और कटी हुई लाल मिर्च, जो हरी थी लाल हो गई है, और थोड़ी सी हरी मिर्च है। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा डिश में गार्निश करूंगी। इस तरह से ये डन है, और मैंने बस 1 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर देना है, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ढाबा स्टाइल दाल माश हमारी रेडी है। इसको मैंने 1 मिनट दम के बाद लास्ट में, जब मैंने फेनुग्रीक लीव यानी कि कसूरी मेथी ऐड की थी, साथ थोड़ा हरा धनिया हरी मिर्चें डाली थी, बंद किया है 1 मिनट के लिए दम देके, तो डिश आउट किया है, अब ये आपके सामने है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा और गार्निश किया है कोरिएंडर लीव्स और थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर। इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसके साथ मैंने आपको 2 बड़ी इसकी टिप्स दी हैं, उनको ज़रूर जहन में रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी, और बहुत सारी ऑलरेडी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे रखी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं।
टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।